नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने एक बार फिर की हरियाणा के सिखों से अपील। इराक के ग्रह जूस से लौटकर आया अमृतसर के शिहाडा इलाके का रहने वाला युवक। आज अमृतसर में मिनी बस ऑपरेटरों ने सिटी बसों के विरोध में की हड़ताल। पांच किलो हेरोइन समेत तस्कर गिरफ्तार, साथी मौके से हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा की ओर से हरियाणा की अलग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन करने के बाद जहां पंथक हलकों में खलबली मची हुई है और एसजीपीसी प्रधान इसे रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हरियाणा के रहने वाले सिखों से अपील की है कि वे कांग्रेस की इस चाल को समझे, क्योंकि भारत के बंटवारे के बाद 1984 में सिखों के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने ही की थी और सिखों को कमजोर करने की कोशिश की थी, और अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सिखों को अलग करने की चाल चल रही है, जिससे सिखों को सचेत रहना चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब सारे संसार के सिखों का सांझा स्थान है। सिखों के भले लिए सोचना ही श्री अकाल तख्त साहिब का मुख्य निशाना है। इस करके हरियाणा के सिखा वार वार अपीलों दलीलों दित्तियां जा रही ने कि पंथ विरोधी ताकत हमेशा ही पाड़ो ते राज करो की नीति अपना के राज कर दिया रही ने। इसलिए सानू सचेत होना पवेगा, किसी नू सिखां दी ताकत कमजोर करन दा कोई अधिकार नहीं है। इस करके सिखां नू सचेत करना श्री अकाल तख्त साहिब का फर्ज है। श्रोमणी कमेटी साडे बजुर्गों वालों बड़ियां कुरबानियां करके बनाई गई है, इसलिए इस नू तोड़न वाले नू सिख कौम कदे भी माफ़ नहीं करेगी। सिखां ने पहलों ही देश की वंड समय, 84 के दंगियां समय और होर भी अनेक मौकों के उत्ते बहुत संताप झल्लिया है। इसलिए हुण सानू सोच समझ के कदम पुटना चाहिए है। जेकर हरियाणा के सिख श्रोमणी कमेटी के हक में सन तां ही पिछलिया चोणां विच हरियाणा के सिखां नू जो श्रोमणी कमेटी वालों मैंबर अलाने सन उन्हां नू जित दवाई, और जिहड़े श्रोमणी कमेटी बनाउणी चाहुंदे सन उन्हां सारिआं मैंबरां नू हराया गया। हरियाणा के सिख वीर अजे भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया सोचण, और इसलिए हरियाणा के सिखा सिख वीर ये फर्ज पछाणन कि जिहड़े पंथ विरोधी ताकत ने उन्हां नू असीं समझिए, उन्हां तों सुचेत होइए, क्योंकि इस नाल सिखा की जिहड़ी ताकत है वह वंडी जाण करके कमज़ोर होवेगी। जदों सिख पंथ की शक्ति कमज़ोर होवेगी तो सानू हर फ्रंट के उत्ते ही कमजोरी कारण असफल होना पवेगा। इस करके अज सानू चलना चाहिए सोच समझ के कि असी समुचे भाईचारे में एक लड़ी के परोइए, श्रोमणी कमेटी को मजबूत करिए, आल वर्ल्ड के सिखा की हर जगह के उत्ते हर समय के उत्ते हर फ्रंट के उत्ते मदद करे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। इराक के गृह युद्ध में फंसे पंजाबी युवकों में आज अमृतसर का एक युवक वापस लौट आया है। ये युवक अमृतसर के शिहाडा का रहने वाला है। इस युवक का कहना है कि इराक में 1500 के करीब पंजाबी युवक काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकतर लौट आए हैं, लेकिन 40 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और इतना ही नहीं, ऊपर 40 युवक इस समय आतंकवादियों के घेरे में है। आतंकवादी उन्हें कहते कुछ नहीं, लेकिन अपने साथ ही रख रहे। चलो बच्चों ने मेहनत की, पर चलो कोई गल नहीं, सारा कुछ इत्थे हैगा, आंदे बाहर जाइए चार पैसे बन जांदे।
ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ 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 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਛੇਤੀ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CA ਆ ਉਹ ਬਸ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਬੰਦੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 26 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 168 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਤੇ ਆ ਜੀ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਬਸ ਜੋਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਆ ਭਾਅ ਜੀ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 9 ਐਂਟਰੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1500 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਈਏ ਸੀ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 1400-1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਰ 4 ਐਡਵੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕਰਬਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਜਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ $450 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 550-550 ਚੱਕ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਰਬਲਾ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਜਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਗੋਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟਾਂ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2-3-3 ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 30-30 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡ ਪਾਈਏ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਫਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। आज अमृतसर में बस स्टैंड के अंदर मिनी बस ऑपरेटरों की ओर से सिटी बसों के बाईपास से बाहर जाने के विरोध में एक हड़ताल की गई। इस मौके मिनी बस ऑपरेटरों के प्रधान सरदार बलदेव सिंह और अन्य सदस्यों ने बताया कि हम मिनी बसों वाले सरकार को करोड़ों रुपये टैक्स भी भरते हैं, पर फरवरी 2014 से सरकार ने सिटी बसों को चलाकर हमारे रोजगार को पहले ही काफी नुकसान पहुँचा दिया है, पर पिछले कुछ दिनों से जिला प्रशासन की ओर से सिटी बसों को शहर से बाहर जाने का फैसला किया गया है, पर हमारी मिनी बसें तो पहले ही 20-25 किलोमीटर के करीब बाहर जाती हैं, पर अब सिटी बसों के शहर से बाहर जाने से हमारे रोजगार का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने इसी मकसद से ये हड़ताल रखी गई है, सिटी बसों को शहर से बाहर जाने से रोका जाए और हम मिनी बस ऑपरेटरों को भुखमरी का नुकसान होने से बचाया जाए। ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਸ ਰੂਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ
अपना प्रोग्राम बना के पंजाब बंद करांगे, सब कुछ बंद करांगे, वड्डियां बसां दा मैं प्रधान हां, असी ओ वी नाल बंद करांगे। मेरा नाम बलदेव सिंह बब्बू, सैकटरी मिनी बस ऑपरेटर यूनियन अमृतसर। अज की जी हड़ताल अं की पूरे जिले की मुकम्मल, उसका कारण यह सिटी बस जी अमृतसर जिले के चलाई गई सी, बाईपासा के अंदर चलानी सी, पर इन बाईपासा तो बाहर गड्डिया चला करके असी वक् वक् उच्च अधिकारियों। मेरा नाम बलदेव सिंह बब्बू, सैकटरी मिनी बस ऑपरेटर यूनियन। अज की जी अं हड़ताल की है सिटी बसा के खिलाफ है। सिटी बसा असी पंजाब सरकार का प्रशासन का स्वागत किया सी, जे सिटी बसा सिटी दे विच रहिंदियां, पर बाईपास तो बाहर सिटी बसा चलाई गई ने, इस दे विरोध वजों अज असी पूरे अमृतसर जिले की जी हड़ताल की है, मुकम्मल साड़ी हड़ताल हुई है। तो साड़ी मंग यह है कि बाईपास तो अंदर इन्हों सिटी बसा चलाया जाए, बाहर ना चलाया जाए। जे अज की हड़ताल तो साड़ी सरकार ने जे कन्ना ते जू ना सरकी, तो असी पंजाब की साड़ी एसोसीएशन पंजाब के साड़े प्रधान सैकटरी सारे आए ने वक् वक् जिलों तो, अगला जिहड़ा ऐलान आ वह असी ना मनिया तो पंजाब लैवल से असी लड़ाई अगे तोरांगे। अमृतसर में विकास के नाम पर पेड़ों की हो रही धड़ाधड़ कटाई के विरोध में आज भाजपा की राष्ट्रीय उप प्रधान प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला ने मिशन आगाज के कार्यकर्ताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई करना काफी गलत है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांग की है कि इन पेड़ों की कटाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जाँच करवाई जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भंडारी हूँ तुम आयो हूने इधर आओ नाल, जे सरकार की मर्जी बगैर अपराध ना हो, जो अपराध हो रहा है ये सरकारी मर्जी नाल हो रहा है, पर अनरिटन अनअनाउंसड नहीं तो भरे बाजार च कोर्ट रोड चो वृक्ष कट्टे जान। नगर निगम का कमिश्नर कहे मैनू नहीं पता, मेयर कहे मैनू नहीं पता, डिप्टी कमिश्नर साहब कहन सानू नहीं पता। तो यहाँ मतलब जो मैं कल चंडीगढ़ चो किसी ने संकेत दिता है कि यह कोई उच्च पद से बैठा मंत्री है, वो इशारे से हो रहा है। जब तक वी आई पी मंत्री इनू खत्म नहीं कराएगा, ये नहीं रुक सकता कतल। ये वृक्षा का कतल है, ये जनता की सुख शांति का कतल है, ये पक्षियों के बसेरिया का कतल है, ये ठंडी छाया तो ठंडी हवा का कतल है। क्या ये नहीं चाहते कि जनता को ऑक्सीजन मिल जाए? वैसे तो शहर साफ नहीं करा सकते, गंदगी है, कूड़ा है, चूहे है, कुत्ते है, सीवरेज का गंदा पानी है। ये जो वृक्ष थोड़ी बहुत हवा देंगे है तो वह भी कट देते हैं। ये जनता का गला घोटन का प्रयास सरकार ने किया है, जिदा अपराधी सरकार है और जनता भी यदा दंड देगी तो परमात्मा भी रहेगा। पहले कोई बोले तो सही, मैं कटा रहा हाँ। जे पीडब्ल्यूडी वालों का नाम आता है तो कहता जी मैं नहीं कटा रहा, जे कारपोरेशन का नाम आता कहते मैं नहीं कटा रहा, वन विभाग में पूछे कहते जी साढ़े को इजाजत नहीं ली। एडी अंधेर कर दी कि बिच बाजार के 100-100 मन का वृक्ष कोई कट के ले जा रहे, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं है। ऐसे साहब मचले है और सीधी गल है, चोर जांजी चोर मांजी चोर बयान आए, तो धन्यवाद उन्होंने चोरों का जिन्होंने वृक्ष कटाए। ये सारे बिच मिले हुए है, 125 लाख की एक टाली है कि पेट भी चली जानी है। इस करके ये मानवीय अपराध है, सामाजिक अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है, जिदे लिए सरकार अगर सरकार है तो इन्हों सख्त दंड दे। जनता तो दुखी है, पर जनता ने बोलना तो साढ़े राही है ना, जनता ने बोलना होंगे MLA के राही, जनता ने बोलना होंगे MP के राही, सारे ही गुंगे है तो की कर लोगे? कोई सारे विकल्प हैगे है। यह शहर दियाँ चौड़िया सड़कों तो है, जिस सड़क से अं खड़े हाँ यह शहर की चौड़ी सड़क है। कोई एक अद्धा वृक्ष, अज मशीनरी यहोजी आ गई है, साइंस आ गया है कि जो वृक्ष कितों चुकना है तो उन्होंने एज इट इज उठा के मशीनरी नाल दूजी जगह लग जाता है। कट्टन का स्वार्थ, क्या 1 करोड़ वाली मशीन नहीं मंगा सकते? अगर वो मशीन आस्ट्रेलिया कम करती है तो क्या अमृतसर च कम नहीं कर सकती है? ये इन्हों जनता वास्ते जो एक दर्द हों दिल च, वही है नहीं है।
आज अमृतसर के महाराजा रणजीत सिंह पनोरमा कंपनी बाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में अमृतसर मेयर बख्शी राम अरोड़ा और नगर निगम कमिश्नर प्रदीप सब्बरवाल की ओर से वार्ड नंबर 25 से 30 के कौंसलरों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके मेयर बख्शी राम अरोड़ा और नगर निगम कमिश्नर प्रदीप सब्बरवाल ने वार्डों के कौंसलरों से उनकी वार्ड में आ रही मुश्किलें सुनी और उन वार्डों से संबंधित अधिकारियों को उन्हें जल्द से जल्द हल करने के निर्देश दिए और कहा कि अगर कोई कर्मचारी कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं मेमोरेंडम पढ़ लांगा और दो दिन च तुहानू मैं इहदा रिप्लाई जिहड़ा उह दियांगा। नूं फाइल कढ़न वास्ते किहा कॉरपोरेशन ने सर्कुलर रोड और भंडारी ब्रिज तो नारी निकेतन तक वह ब्रिक्शा नूं कट्टन दी इजाजत दित्ती हुई है। जिस दी की नॉलेज मेरे मैनू नहीं सी और मेरे ध्यान च नहीं लिया गया। और ना ही वह फाइल मैनू पुट की गई। मैं उसकी शिकायत पंजाब सरकार नू करन वाला। और कमिश्नर साहब नू इस मामले की इनकुआरी करने वास्ते मैं लिख के लैटर भेज रहा। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान एक तस्कर को काबू करके उसके कब्जे से 5 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई है, जबकि उसका साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पूछताछ में सामने आया है कि वह पाकिस्तान के कुख्यात तस्कर अबाद अली उर्फ बादी के साथ मिलकर यह तस्करी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने उसे काबू करके आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲ ਨਹਿਰ ਕੁਹਾੜੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਭਿੰਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੱਕੜ ਕਲਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ।
हाँ उन्होंने ना सानू मुढ़ली पुछगिछ में मालूम हो गए ने असं हूँ उन्होंने जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़का जोड़ा है पहली बार इस काम में पाया है और जोड़ा का दूजा साथी है गुरजीत सिंह वो खिलाफ पहला भी केस दर्ज ने। पेश है आज का रेल बजट 2014। मोदी सरकार ने रेल बजट में 58 नई ट्रेनें चालू करने का फैसला किया है और 21,000 नई नौकरियां देने का ऐलान किया है। ये घोषणा रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने की है, जिसमें महिला और पुरुष कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी, जबकि पहली बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। वहीं कई मंत्रियों ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं जोड़ा गया है और बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा किया गया है। रेल बजट से पहले सरकार ने मुसाफिरों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर 139 जारी किया गया है, जिस पर मुसाफिर किसी भी तरह की मदद हासिल कर सकते हैं और रेलवे की पूछताछ सेवा का नंबर 139 जल्द ही टोल फ्री होगा। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक रेलवे एक नया नंबर 02245012222 शुरू करेगा, जिस पर डायल कर लोग बजट लाइव भी सुन सकते हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने मई 2014 में ली गई 10वीं कक्षा की गोल्डन चांस परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में 2,554 स्टूडेंट्स बैठे थे, जिसमें 2,073 स्टूडेंट्स पास हुए। परीक्षा परिणाम 81.17% रहा। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि स्टूडेंट्स अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। भारत सरकार जल्द ही पाकिस्तान के सिम कार्ड भारत में इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकती है। इस फैसले का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना है। कमर्स सेक्रेटरी राजीव केयर ने गृह मंत्रालय का पत्र लेकर भारत में पाकिस्तान के सिम कार्ड को इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक इस फैसले पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि व्यापारी अगर सिम कार्ड भारत में इस्तेमाल करते हैं तो इससे व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे। हाल ही में शुरू हुए कटरा उदमपुर रेल लिंक से जुड़ी दिलचस्प जानकारी मिली है। कटरा स्टेशन और विशेष ट्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से 24 घंटे पहले ही सजाया गया था। बताया जाता है कि ट्रेन और स्टेशन को सजाने में 30 क्वांटल फूलों का इस्तेमाल हुआ था। सजावट का काम देखने वाली कंपनी के राहुल मल्होत्रा के मुताबिक 40 मजदूरों ने इसके लिए लगातार काम किया। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने एक बार फिर की हरियाणा के सिखों से अपील। इराक के गृह युद्ध से लौटकर आया अमृतसर के शिहाडा इलाके का रहने वाला युवक। आज अमृतसर में मिनी बस ऑपरेटरों ने सिटी बसों के विरोध में की हड़ताल। पांच किलो हेरोइन समेत तस्कर गिरफ्तार, साथी मौके से हुआ फरार। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।